बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ग्रेड टू योर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। टुडे वी विल सॉल्व पेज नंबर 61 एक्सरसाइज क्वेश्चन ए। चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सामने आपको डायग्राम नजर आ रहा है। नंबर वन इज एन आइकन ऑफ डैश टूल। नंबर ए ऑप्शन है रेक्टेंगल। नंबर बी है एलिप्स। नंबर सी है स्क्वायर। तो आपको जैसा कि शेप की तरह चल रहा है ये कौन सा टूल है? एलिप्स टूल। नंबर टू डैश टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन द इमेज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कौन सा इसका राइट आंसर है? बी ए ऑप्शन फिल विद कलर। हम कौन सा टूल कलर फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? फिल विद कलर। नंबर थ्री देखिए स्क्वायर में रेक्टेंगल में एक लाइन नजर आ रही है। टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइन। ये जो लाइन का टूल नजर आ रहा है इससे हम क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं। बी क्वेश्चन देखें फिल इन द ब्लैंक। फिल विद कलर ओवल लाइन रेक्टेंगल। नंबर वन सामने आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है इज आ रेक्टेंगल टूल। नंबर टू इज एन ओवल टूल। नंबर थ्री जो लाइन है इज अ लाइन टूल। नंबर फोर पे आपको बकेट नजर आ रही है जिससे कुछ पेंट फिल करने के लिए जैसे हम निकाल रहे हैं ये क्या है? इज आ फिल विद कलर टूल। आगे देखें बेटा टिक क्वेश्चन नंबर ई में है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके हम टिक मार्क करेंगे और जो रॉन्ग है उससे हम क्रॉस मार्क करेंगे। नंबर वन यू कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इन पेंट। आप पेंट में सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? नो, क्रॉस करेंगे। नंबर टू पे जो आपको शेप नजर आ रही है इज अ लाइन टूल। क्या ये लाइन टूल क्या है? नो, क्रॉस करेंगे। नंबर थ्री कलर ग्रुप कंटेन डिफरेंट कलर। कलर ग्रुप में डिफरेंट कलर्स होते हैं। यस, टिक मार्क करेंगे। नंबर फोर इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। इरेजर टूल आपकी ड्राइंग का कोई भी पार्ट अगर गलत हो जाए तो क्या हम उसे इरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल ठीक, टिक करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।